में दालों का उत्पादन बीते कई वर्ष में बढ़ा है, वही भविष्य में भी किसानों के लिए दालों का उत्पादन फायदे का सौदा साबित हो सकता है। असल में नीति आयोग के एक कार्य समूह ने अनुमान जताया है कि भविष्य में देश की दाल की मांग में व्यापक बढ़ोतरी हो सकती है। नीति आयोग के समूह के मांग और आपूर्ति अनुमानों के मुताबिक 2030 तक देश में दालों की मांग बढ़कर 32.64 मिलियन टन हो सकती है। नीति आयोग का ये आंकड़े बीते दिनों केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक विपणन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में अगले 8 सालों के अंदर दालों की मांग में तकरीबन 6 मिलियन टन की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। असल में कृषि विभाग ने 2021-22 के दौरान देश में दालों की मांग 26.72 मिलियन टन होने का अनुमान जारी किया है। वहीं नीति आयोग के कार्य समूह के मुताबिक 2030 तक देश में दालों की मांग बढ़कर 32.64 मिलियन टन होने का अनुमान है। ऐसे में अगले 8 सालों में देश को तकरीबन 6 मिलियन टन अतिरिक्त दाल की जरूरत है, जिसमें किसान दालों का उत्पादन बढ़ाकर लाभ कमा सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक विपणन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की तरफ से लोकसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार मौजूदा दाल चालू सीजन में देश के अंदर दालों का उत्पादन सरप्लस रहने का अनुमान है। असल में कृषि विभाग ने जहां 2021-22 के दौरान देश में 26.72 मिलियन टन दाल की मांग का अनुमान जताया है, तो वहीं कृषि विभाग के एक अन्य अनुमान के मुताबिक इस वर्ष देश में दालों का अनुमानित उत्पादन 26.96 मिलियन टन है। ऐसे में देश में दालों का सरप्लस उत्पादन हुआ है। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक विपणन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में दिए जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।